फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो देखिए, इस भयंकर गर्मी में आज मैं लेकर आई हूँ लस्सी की रेसिपी। तो ये दूध जमा लिया था मैंने और दही बना लिया है। तो अभी देखिए दही कितना अच्छे से जम के तैयार हुआ है हमारा, मैं आपको दिखा रही हूँ फ्रेंड्स। और ऐसी गर्मी में हम ये लस्सी बनाकर पियेंगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा, और शरीर को बहुत ठंडक देता है ये, और अभी गर्मियों के लिए बहुत अच्छा रहता है। दही छाछ ये बहुत ही अच्छी रहती है। तो देखिए यहाँ पे मैंने मिक्सी जार ले लिया है। मिक्सी जार में मैंने कटोरी भर के, एक छोटी सी कटोरी भर के मैंने चीनी ले ली है, और यहाँ पे थोड़ी सी मैंने आइस डाल दी इसके अंदर। फिर डाल रही हूँ मैंने यहाँ पे दही। तो दही आपको दिख रही होगी फ्रेंड्स कितने अच्छे से जम के तैयार हुई है, बहुत बढ़िया जमी है दही हमारी। यहाँ पे मैंने मिक्सी जार के अंदर दही भी डाल दी है। उसके बाद मैंने घुमा लिया। घुमाने के बाद यहाँ पे देखिए दो ग्लास रख लिए मैंने, और ग्लास के अंदर हम ये लस्सी डालेंगे। फ्रेंड्स मैंने पानी बिल्कुल भी नहीं डाला, लेकिन मैंने आइस डाली थी ना उससे ये थोड़ा सा पतलापन हो गया है। अब देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसके ऊपर ये जो दही हमने रखी थी बचाकर अलग से ये इसके ऊपर डाल देती हूँ। तो लस्सी एकदम से ही हमारी लस्सी अलग दिखने लगेगी और एकदम से गाढ़ी गाढ़ी हो जाएगी। यहाँ पे कुछ मैंने बादाम की कतरन डाल दी है, कुछ पिस्ता के कतरन डाल देंगे। फ्रेंड्स ये आप बनाकर ज़रूर पीजिएगा, बहुत सिंपल तरीके से बनती है, पीने में भी बहुत बढ़िया लगती है, एक बार ट्राई ज़रूर करना। तो चलिए, आज की मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी? और आज मैं ये छोटी सी रेसिपी आपके लिए लेकर आई थी, बहुत ही बढ़िया गर्मी के लिए बहुत बढ़िया रेसिपी है। तो फ्रेंड्स अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना और लाइक ज़रूर करना वीडियो को। तो मिलेंगे ये रेसिपी के साथ। चलिए जब तक के लिए बाय बाय।